थीटा। इसी तरह यहाँ वेक्टर में इसको वेक्टर जानने के लिए मल्टीपल का साइन रहेगा, यहाँ पॉइंट में साइन रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में अगर एंगल है थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे ए है ए एक्स आई ए वाई जेड प्लस ए जेड के, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में। उसी तरह बी है, बी वेक्टर है बी एक्स आई एक्स एक्सिस में प्लस बी वाई जेड प्लस बी जेड के, ठीक है। तो इसमें जो थीटा है उसमें जो कॉस थीटा निकल के आएगा वो होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड पी जेड, सबका मल्टीपल होकर ऐड हो जाएगा। और नीचे में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये कॉस थीटा का मान हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट इसमें जो होता है स्केलर क्वांटिटी में, यहाँ पर देख रहे हैं इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में सिंस अगर थीटा जीरो डिग्री है तो ये इक्वल होगा, अगर थीटा जीरो होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहां पर ऐसे होगा जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ऐसा प्रोडक्ट चलेगा, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहां वेक्टर इस यहां पर वेक्टर वन हो जाएगा जीरो डिग्री में और यहां पर वेक्टर जीरो हो जाएगा 90 डिग्री में, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट का है। उसी तरह यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट का हम लोग देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट का देख लेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं ए इंटू बी से डिनोट होता है, ए इंटू बी साइन थीटा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं ए आई जे के, ये सारे वेक्टर है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। यहाँ पर आई के साथ एक बार मल्टीपल होगा, आई के साथ ये दोनों क्रॉस मल्टीपल, उसके बाद जे के साथ फिर ये और ये क्रॉस मल्टीपल। यहाँ उसी तरह लिखेंगे आई के साथ ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड माइनस जे ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। यहाँ पर हो जाएगा के ए एक्स प्लस ए वाई बी एक्स बी वाई, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ इसके अंदर में है, ठीक है। यहाँ पर ए वाई बी जेड होगा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ए वाई बी जेड की क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे होकर लिखा रहा है, ठीक है, प्लस जेड के साथ ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। उसी तरह यहाँ प्लस देकर के साथ लिखाएगा ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट में, अगर थीटा जीरो डिग्री है तो आई इंटू आई, ये जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू के इंटू के, इसका मान जीरो होगा, जीरो डिग्री है तो जीरो होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो i इंटू जे, यहाँ क्रॉस मल्टीपल है, ठीक है, ये k हो जाएगा और j इंटू के यहाँ i हो जाएगा, इसी तरह k इंटू आई यहाँ j हो जाएगा, ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल टू नेवर मिस माई वीडियोज। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना।